जूनागढ़ जिला वंथली तालुकाना रवानी गामे गई काले सलीम सांगनी गोली मारी हत्या करी देवामां आवी। जूनागढ़ जिला वंथली तालुकाना रवानी गामे गई काले सलीम सांगनी गोली मारी हत्या करी देवामां आवी हती। हत्याना बनावने पगले वंथली अने जूनागढ़ अने सोरठ पंथक में भारे चकचार मची जवा पामी हती। मळती माहिती मुजब मृतक सलीम साथे गई काले सौ प्रथम बे शख्सो द्वारा बाइक अथड़ावामां आव्युं हतुं अने त्यारबाद तेमना पर फायरिंग करायुं हतुं। फायरिंग करी बुकानी धारी शख्सो त्यांथी नासी छूट्या हता। आ बाबतनी जाण थता गाम लोको एकठा थई गया हता अने सलीम सांगने सारवार अर्थे जूनागढ़ सिविल હોસ્પિટલ ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યો હતો। બનાવની જાણ થતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકોના ટોળા એકઠા થઈ ગયા હતા। સમગ્ર મામલે હાલ પોલીસે કુલ બે આરોપી લતીફ સાંગ અને મુસ્તાક ગામીતીની ધરપકડ કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પ્રાથમિક માહિતી મુજબ જૂના અવદાવતના કારણે હત્યા કરાઈ હતી। હાલ પોલીસ બંને આરોપીને સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। જો કે આરોપી અદાવતનું વેર વાળવા ચપ્પલ ના પહેરવાની પણ માનતા પણ રાખી હોવાની વિગત મળી છે। જો કે હાલ તો પોલીસ દ્વારા આરોપીને જેલના સળિયાની પાછળ सलीम सांग का जो मर्डर हुआ उसमें अर्ली आज पे दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें मेन आरोपी है लतीफ अब्दुल और दूसरा है मुस्ताक। ये दोनों कजिन्स हैं और लतीफ का फादर का मर्डर सलीम ने लगभग 10-11 साल के पहले किए थे। उसका मन दुख के कारण इन्होंने काफ़ी टाइम से इनको मर्डर करने का प्लान कर रहे थे और कल रवनी गाँव में ये बाइक के साथ टक्कर मार के फायर ओपन करके मर्डर किया है। दो लोग है इसमें मुस्ताक और लतीफ अभी के लिए, और कोई साथ में है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, कुछ आगे आएगा तो बताऊंगा। कितना राउंड फायरिंग? फायरिंग इन्होंने लगभग 8 राउंड्स के आसपास किया। बॉडी के ऊपर इंजरी सभी पीएम का रिपोर्ट आना बाकी है कितना वुंड्स है। 8 राउंड्स के आसपास फायरिंग हुआ है। सर ये मर्डर करके आरोपी कहां पहुंच गए थे, कहां पे पकड़े? मर्डर करके आरोपी अपना खुद की गांव में ही भागा था। ये पहले बिना नंबर प्लेट का गाड़ी लेके आए थे तो ये सोच रहे कि पुलिस को पता नहीं लगेगा, तो अपना खुद की घर पे ही था, घर से ही गिरफ्तार। सर सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ दिख रहा है? सीसीटीवी फुटेज में कुछ मतलब एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है, काफ़ी दूर से है और बीच में दीवार आ जाता है, इतना कुछ क्लियर नहीं है। सर आगे क्या होगा? आगे और कौन इन्वॉल्व है इसमें, इनको इन्फॉर्मेशन किसने दिया वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर जो वेपन यूज़ किया उसको कब्जा करना बाकी है, वो भी आगे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हत्या हुई है उसके कुछ काका वगैरह भाई वगैरह भी कुछ गैंग वॉर में शामिल है, वो क्या है? सलीम सांग के खिलाफ भी काफ़ी ऑफेंसेस है और ये जूसफ अल्लाह रखा का गैंग का ही मेंबर है। जूसफ भाई के खिलाफ लगभग 30-1 ऑफेंसेस है जिसमें 5 के आसपास मर्डर की ऑफेंसेस है, वो भी साबरमती जेल में है। कैसे मर्डर हुआ, कैसे वाकया हुआ, कहाँ पे एग्जैक्ट? ये रवनी गांव से जब अंदर जा रहे रोड के ऊपर सलीम भाई अपना घर से वाड़ी की तरफ जा रहे थे रात को 9 बजे, ये सामने से दूसरा टू व्हीलर पे आया, उनको टू व्हीलर को टक्कर मार के गिरा दिया, गिरा के फायरिंग ओपन किया उनके ऊपर। रेकी तो किया ही होगा डेफिनेटली, बिना रेकी किया इतना परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि ये पहली अटेम्प्ट है, इससे पहले कितने अटेम्प्ट हुआ वो भी अभी तपास चालू है। नहीं, इनके खिलाफ और कोई गुनाह नहीं है। मोटरसाइकिल में कौन था? साथ में मुस्ताक है।